प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद की एक अत्यंत लोकप्रिय कहानी जिसका शीर्षक है सवा शेर गेहूँ। प्रेमचंद जी की लिखी सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक कहानी है सवा शेर गेहूँ। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। किसी गरीब गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था, अपने काम से काम, न किसी के लेने में न देने में। छक्का पंजा न जानता था, छल प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी, ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, न मिला चबेने पर काट दी। चबेना भी न मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था पर साधु को कैसे भूखा सुलाता, भगवान के भक्त ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खराऊं पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रासादों में तपस्या, हवागारियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था, अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। दोस्तों, गरीबी का आलम यह था कि उस गांव में गेहूं का आटा सबके पास मयसर न था। जौ के आटे पे गुजारा करते थे और यही मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ पे लिखा है। अब आगे लिखते हैं, सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज, जो गांव के विप्र थे, सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़े से मिल गए। उनसे सवा शेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया और लंबी तान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में दो बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा शेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पंसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूं, यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें डेढ़ पसेरी के लगभग गेहूं दिया और अपने को उड़िन्न समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र जी ने फिर न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह सवा शेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए, शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले, वह फूट फूट कर रोया, आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे, एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा, एक के घर में मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे, प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता है। उसने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था। बहुत प्रयास करके, बहुत प्रयत्न करके, बहुत मेहनत करके उसने अपने घर को एक तरह से सींचा था, सजाया था, संवारा था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत न देखी, दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सो रहता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त ही जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से न उठा, अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे खेत रह गए, एक बैल रह गया, खेती क्या खाक होती।
अंत को यहां तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए, एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूँ कब से बाकी पड़े हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। क्या हजम करने का मन है क्या? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूँ लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का छटांक भर न अनाज है न एक पैसा उधार। विप्र बोले, इसी नियत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज के 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया और उसका अवाक हो जाना भी वाजिब था, क्योंकि उसने अपने अनुसार उस 1.25 सेर गेहूं को तो कब का चुका दिया था। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन कौन सा काम किया। जब पोथी पत्रा देखने साइत सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ, 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज यह पिसाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साधे बैठे रहे? बोला, महाराज नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानी में 1.5 सेर 2-2 सेर दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगने आते हैं, कहाँ से दूंगा? विप्र बोले, लेखा जौ जौ बख्शीस 100-100। तुमने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं, चाहे एक की जगह 5 पंसेरी दे दो। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेंक दो, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। अर्थात अब ये धमकी भी दे रहे थे उसको। शंकर, पाड़े क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी ना छोड़ूंगा। यहां ना दोगे भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा, हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, वहां की तौल यहां से कुछ बड़ी तो ना होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वह भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा, इस ख्याल ही से उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहां क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यह कोई नियाव नहीं है, तुमने राई का पर्वत बना दिया, ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझा क्यों पड़ता? मैं तो दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण हैं, जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे, तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी न दूंगा। विप्र, मैं न मानूंगा, 7 साल हो गए, अब एक दिन का भी मुलाहिजा न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते, दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ, किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र बोले, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ा कर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 रुपये हो गए, 60 रुपये का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपये सैकड़े सूद, साल भर में न देने पर सूद का दर 3.5 रुपये सैकड़े, 12 आने का स्टाम्प, 1 रुपया दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। ये थी 1.25 सेर गेहूं की आज की कीमत, जो तत्काल उस वक्त पे शंकर के लिए देनी बाध्य की गई। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए। शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की, मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ, केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती।
पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था, यही एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग न कर सका था। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चीलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग कर चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थि बेधक सीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपये जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपये दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपये भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपये की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपये लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार किए क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपके असीस से आपकी मजूरी अच्छे मिली। विप्र, लेकिन यह तो 60 रुपये ही है। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे उड़ीन कर दीजिए। विप्र, उड़ीन तो तभी होगे जबकि मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे, जाकर मेरे 15 रुपये और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, गांव में हूँ तो कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ, अगर मेरे पूरे रुपये न मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपये सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपये चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ कहीं से 15 रुपये और लाने के फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत न थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपये से अधिक न जमा कर सका तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इससे 2 रुपये जमा हो। जब सिर पर ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है, आशा ही की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिनी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचिनियाँ थी जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकतियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्टा मिलता तो वह रुपये जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तमाकू ही पिया करता था, वहाँ अब गांजे और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का 1 पैसा भी नहीं आता। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी, पर वह काम करने अवश्य जाता था, अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजा करता। इस भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपये जो जमा थे वह मिनहा करने पर भी, अर्थात उसको घटाने पर भी, शंकर के जिम्मे 120 रुपये और निकले। शंकर, इतने रुपये तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। विप्र, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल न सही, सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वह ले लीजिए, एक झोपड़ी है वह ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है? विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज? विप्र, कुछ नहीं है, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो, मुझे भी खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है, सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो मूल भी दे देना। सच तो ये है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दो। अर्थात विप्र ने शंकर को अब एक बंधुआ मजदूर बना दिया था।
जो कि जब तक वह चाहता उससे काम लेता रहता, आजीवन अप्रयंत। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूँ? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे? शंकर: महाराज, सूद में तो काम करूँगा और खाऊँगा क्या? विप्र: तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटा के बैठेंगे? रहा मैं, तुम्हें आज से जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूँगा। ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूँगा, और क्या चाहिए? यह सच है कि और लोग तुम्हें 6 आने रोज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं, मैं तो तुम्हें अपने रुपये बढ़ाने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में परे रहने के बाद कहा, महाराज यह तो जन्म भर की गुलामी हुई, अर्थात मैं तो आपका सेवक हुआ, बंधुआ, मजदूर हुआ, आपका नौकर हुआ। विप्र: गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी न छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, हाँ जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी, मजदूर की जमानत कौन करता, कहीं शरण न थी, भाग कर कहाँ जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो वह यह था कि यह मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है, स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति यावजीवन उसके सिर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 120 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपए अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा, इतने अन्यायी, इतने निर्दयी न थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। पाठक, इस वृतांत को कपोल कल्पित न समझिए, यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।